हाँ, तो सबसे पहले मैं आज के कक्षा में प्रिय बालक बालिकाओं, अभिभावकों और विद्यालय परिवार से जुड़ी हुई समस्त लोगों को सुबह का नमस्कार। और मैं आज की जो कक्षा में, जो वैसे ही पहले इसका परिचय हो चुका है, आज जो हमारा तुलसीदास जी शीर्षक से जो पाठ है या अध्याय है, उसके जो हम बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी का एक महत्वपूर्ण, कह सकते हैं, महाकाव्य माना जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, वैसे मैं पहले बता चुका हूं कि सात कांड है, उनमें एक जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बाल कांड। और बाल कांड में भी परशुराम लक्ष्मण संवाद के बारे में, यानी परशुराम लक्ष्मण संवाद, संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। तो यहां हम परशुराम लक्ष्मण संवाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जो रामचरितमानस महाकाव्य है, उसका जो महत्वपूर्ण एक भाग जिसे बालकांड कहा जाता है, इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कह सकते हैं भाग है, उससे हम पढ़ेंगे। हम देखो इसमें, वैसे तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं कि वो कह सकते हैं सगुण भक्ति, भक्ति काल में भी कौन सी भक्ति, सगुण भक्ति। और भक्ति काल में, वैसे सगुण भक्ति में भी आपको मैं बताता हूं कि ये राम मार्ग की शाखा के, अर्थात प्रभु श्री राम के प्रमुख, कह सकते हैं, जो अनुयायियों में या कह सकते हैं महत्वपूर्ण भक्तों में गिने जाते हैं। तो तुलसीदास वैसे भक्ति काल में सगुण भक्ति और सगुण भक्ति में राम मार्ग की शाखा, और वैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से जो महाकाव्य लिखा उसमें बालकांड, और बालकांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखो ध्यान से कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ, अर्थात विजय राज जनक ने जो सीता जी के पिता हैं, उन्होंने सीता स्वयंवर रखा, अर्थात सीता जी के लिए वर का चयन करने के लिए मानो स्वयंवर रखते हैं। उस समय देखो भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ सीता स्वयंवर में जाते हैं, अर्थात सीता स्वयंवर में उपस्थित होते हैं। वहां पर जब भगवान शिव का धनुष, जिसका नाम पिनाक, और इस पिनाक को कह सकते हैं कि रखा जाता है मंच पर, या कह सकते हैं उस जगह पर, और उसका भंजन करने की शर्त रखी जाती है, अर्थात तोड़ने की रखी जाती है। अब जैसे ही मानो सभी बड़े बड़े महान योद्धाओं, बलशालियों, या कह सकते हैं विद्वानों, जिसमें हम कह सकते हैं बहुत सारी ऋषि मुनियों को मानो न्योता दिया गया, या कह सकते हैं बुलावा दिया गया था, बहुत सारे लोग आए थे। कहते हैं कि एक के बाद एक सारे लोग आते हैं, लेकिन तोड़ने की बात तो दूर, उस कह सकते हैं शिव धनुष अर्थात पिनाक को तिल भर भी हिला नहीं पाते हैं। कहते हैं उस समय सभा में पूरी तरह से, एक तरह से मानो मायूसी सी छा जाती है कि आखिर सीता स्वयंवर किस लिए आयोजित किया गया। भाई शर्त पूरी नहीं होती है, विदेहराज जनक के चेहरे पर हाव भाव में कुछ कह सकते हैं ऐसे मायूसी सी छानी शुरू हो जाती है, और उस मायूसी को देखकर प्रभु श्री राम के
गुरु विश्वामित्र जी वहीं पर उपस्थित होते हैं और प्रभु श्री राम को विश्वामित्र जी इशारों से ही खड़े होकर और शिव धनुष का मंजन करने की बात करते हैं। कहते हैं जब शिव धनुष को उठाने के लिए प्रभु श्री राम जब मंच की ओर जाते हैं तो सभी बड़े बड़े महान योद्धा या बलशाली या ऋषि मुनि आपस में कानाफूसी करते हैं। कहने का मतलब सोचते हैं कि हम तो बड़े बड़े थे जो अपने आप में इस ब्रह्मांड के बलशाली या कह सकते हैं ताकतवर माने जाते हैं, वो तक ही मानो तिल भर नहीं उठा पाए, ये क्या उठा पाएंगे। कहते हैं प्रभु श्री राम जब जाते हैं और जाते ही उन्हें स्पर्श तक करते हैं, कहते हैं स्पर्श करते ही वो शिव धनुष अर्थात पिनाक वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और सभा में पूरी तरह से कह सकते हैं खुशियां छा जाती हैं। चारों तरफ मंगल गीत गाए जाते हैं, पुष्प वर्षा की जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वापस कह सकते हैं सन्नाटा छा जाता है। कारण यह है कि शिव अर्थात भगवान शिव के शिष्य जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जानेंगे कि उनका नाम है परशुराम जी, और परशुराम जी उसी समय परशुराम जी को मानो समाचार मिलता है कि शिव धनुष अर्थात पिनाक का कह सकते हैं भंजन कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। कहते हैं वो सभा में आते हैं और सभा में आते ही सभी को ललकारते हैं क्योंकि वैसे भी परशुराम जी अति क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए सभा में आते ही कह सकते हैं एक तरह से सन्नाटा छा जाता है और चारों तरफ एक जो खुशियां थी वो मानो सन्नाटे में परिवर्तित हो जाती है। और कहते हैं हाँ, तो देखो यहां हम सीता स्वयंवर के बारे में पढ़ रहे हैं और सीता स्वयंवर में हम जान रहे हैं कि किस तरह से परशुराम जी अति क्रोधित होकर के यहाँ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को क्या क्या कटु बातें कहते हैं अर्थात क्रोध में आकर कहते हैं और वापस लक्ष्मण जी किन तरह से वापस कटाक्ष बातों में या कटाक्ष पूर्ण रवैये से अपने उत्तर देते हैं। अब यहाँ देखो जैसे ही सीता स्वयंवर में परशुराम जी आते हैं, आते ही देखो सभा में एक तरह से सन्नाटा छा जाता है और देखो क्या कहते हैं उसके बारे में हम यहां जाने। अब देखो इतने क्रोधित होकर के जब वो बोलते हैं उस समय वापस अपनी विनम्रपूर्ण वाणी में शालीनता के साथ प्रभु श्री राम वापस परशुराम जी को क्या कहते हैं, नाथ समुदन भंज निहारा, हे स्वामी नाथेर स्वामी। और यहां स्वामी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, परशुराम जी के लिए। समुदन संभुयन शिव धनुयन धनुष अर्थात शिव धनुष, भगवान शिव का धनुष आपको मैं पहले बता चुका हूं कि उसका नाम है पिनाक, बंजनियारायण तोड़ने वाला। तो यहां प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है अर्थात हे स्वामी परशुराम जी, जिसने भी कोई शिव धनुष तोड़ा है कोई ये न है कि ये न कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास है, आपका ही कोई सेवक है, कोई दूसरा नहीं। अर्थात इस चरण में प्रभु श्री राम विनम्रपूर्ण वाणी में परशुराम जी के क्रोध रूपी जो कह सकते हैं आग के समान वचन हैं उनमें शीतल विनम्रपूर्ण वाणी के जो कह सकते हैं वचन हैं जो ठंडे पानी के समान छींटे हैं वो डालकर मानो उस अग्नि को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि परशुराम जी के वचन अर्थात परशुराम जी जो कह सकते हैं मानो यहाँ आग के समान है और श्रम श्री राम पुरुषोत्तम राम जिनके वचन हैं वो मानो कह सकते हैं जल के समान है। तो यहाँ
जैसे आग में जल डाल करके आग को कम करना, इसी तरह से मानो यहाँ परशुराम जी के क्रोध भरे वचनों को थोड़े यानी प्रभु श्री राम हैं वो विनम्रपूर्ण वाणी में शांत करने का कोशिश करते हुए कहते हैं कि हे स्वामी परशुराम जी, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है कोई आपका ही कोई दास है, कोई दूसरा नहीं, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? आयस्विन आज्ञा, आप कहा क्या क्या आज्ञा देना चाहते हो? कहिए किन मोही, आप मुझे कहिए क्या आज्ञा देना चाहते हो, अर्थात उन्हें क्या कहना चाहते हो? प्रभु श्री राम अपने विनम्रपूर्ण वाणी में परशुराम जी के क्रोध भरे वचनों को सुन करके कह रहे हैं कि आपकी क्या आज्ञा है, कहिए मेरे को कहिए, अर्थात मुझे कहिए, ये बात कहते हैं प्रभु श्री राम। सुनी रिसाय बोले मुनि को ही, सुनिए ना, सुनकर रिसाय क्रोध भरे हुए, क्रोध में भरे हुए वचनों को सुन करके प्रभु श्री राम अपनी विनम्रपूर्ण वाणी में परशुराम जी से कह रहे हैं कि कोई आपका ही सेवक है, कहिए क्या आज्ञा है? ये बात कौन कहते हैं? प्रभु श्री राम। तो कहने का मतलब मुनि शब्द यहाँ परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ परशुराम जी को कह सकते हैं शांत करने का प्रयास करते हुए प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हे नाथ, कहिए क्या आज्ञा है, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो मुझे कहिए। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, कहने का मतलब अब यहाँ सेवक अपने आप को कह रहे हैं, कौन? प्रभु श्री राम। किसको? परशुराम जी को। अब देखो परशुराम जी वापस क्या कहते हैं, तो सेवकुइन सेवक, सो जो करे सेवकाई, अरे सेवक का काम सेवा करना होता है, अर्थात सेवक वही होता है जो अपने स्वामी की सदा सेवा करता है, सेवक का काम हमेशा सेवा करना होता है, तो सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक का काम सेवा करना होता है, अरि करणी, अरि यन शत्रु, करणी यन कार्य, करी करी लड़ाई, और तुमने तो लड़ाई करके मेरे सामने शत्रु के समान काम किया है, इसलिए तुम मेरे सेवक नहीं हो। ये बात परशुराम जी किसको कहते हैं? प्रभु श्री राम को, कि तुम तो मेरे शत्रु हो, क्योंकि जो मेरे गुरु अर्थात भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरा कह सकते हैं सेवक नहीं है, वो शत्रु है, क्योंकि मेरे गुरु का धनुष तोड़कर मेरे गुरु का अपमान किया है और मेरे गुरु का अपमान मुझे बिल्कुल भी सहने नहीं है, इसलिए तुम मेरे सेवक नहीं हो, तुम मेरे शत्रु हो, और शत्रु हो करके सामने खड़ा रहना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि तुमने शत्रु का सकाम किया है, तुमने लड़ाई की है, और लड़ाई करने वाला शत्रु है वो कभी सेवक होता नहीं है। आगे देखो फिर परशुराम जी क्या कहते हैं, सुनो ये ना, सुनो, चेतावनी देते हुए चुनौती देते हुए क्या करें, सुनो राम, हे राम सुनो, चाहिए ना जिसने भी, मुझे पता नहीं है जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, तो सुनो राम जी, शिव धनुष तोड़ा, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, सहस्रबाहु, सहस्रबाहु एक कह सकते हैं राजा का नाम था जो बड़ा बलशाली था, जिसका परशुराम जी ने अपने परसे के बल पर वध किया था, तो यहां शत्रु के तौर पर राम को माना है, और राम किसके समान माना है, सहस्रबाहु राजा के समान, तो यहां पर परशुराम जी प्रभु श्री राम को कह रहे कि हे राम तुम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु राजा के समान मेरा शत्रु है,
रिपुएन शत्रु मोरायन मेरा समेन समान, अर्थात यहाँ सहस्र बाहु राजा के समान, समय सरिश्य सदृश्य जहां पर काम लिया जाता है वहां उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर सहस्र बाहु राजा के समान वो मेरा शत्रु है, वो मेरा सेवक नहीं है। फिर आगे देखो परशुराम जी चुनौती भरे हुए शब्दों में देखो क्या कहते हैं, सो बिलगाई बिहाई समाजा, वो बिहाई जो राजवर्ग सिंह अर्थात राजाओं का वर्ग, बिलगाऊ ये ना अलग हो जाओ, अरे वो सारे राजाओं से अलग हट जाओ, क्योंकि यदि वो राजाओं से जुड़ा हुआ रहेगा, राजाओं के साथ रहेगा, मेरे साथ युद्ध होगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जो भी जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सुनो राम, वो राजाओं के समाज से क्या हो जाए, अलग हो जाए, कहने का मतलब अलग छंट जाए, नहीं तो वह सारे राजाओं के साथ मारा जाएगा, श्रम पूरे राजा भी मारे जाएंगे और अनर्थ हो जाएगा। तो सो बिलगाई बिहाई समाचार, नेते नहीं तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो सारे इससे धरती से सारे राजा मारे जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ परशुराम जी क्रोध भरे वचनों में पूरे क्षत्रियों को राजाओं को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि हे राम, या तो तुम अलग हट जाओ, कहने का मतलब सारे राजाओं से अलग हट जाओ, नहीं तो यदि राजाओं के साथ रहोगे, राजा तुम्हारा साथ देंगे, तो मैं संपूर्ण धरती से सारे राजाओं का वध कर दूंगा या राजाओं को मार दूंगा और क्षत्रिवीन धरती कर दूंगा। वैसे भी मैंने कई बार इस धरती को क्षत्रिवीन कर दिया है, इसलिए अब ये कहने का मतलब अलग हो जाना ही अच्छा है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान, अब ये सारी बातें परशुराम जी के क्रोध भरे वचन लक्ष्मण जी सुन रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण जी पास में बैठे थे, वो देख रहे कि देखो किस तरह से परशुराम जी आग बबूला हो रहे हैं, लाल पीले हो रहे हैं, मानो कह सकते हैं कि वो सब कुछ अपने हाथों में रखने वाले हैं इस तरह से। तो सुनी मुनि, मुनि शब्द यहां परशुराम जी के लिए, तो सुनिए ना, सुनकर परशुराम जी के कटु वचनों को सुनकर लखन ने लक्ष्मण परशुराम जी के कटु वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मन ही मन में मुस्कुराते हुए, मन ही मन यानी मंद ही मंद 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 धीरे धीरे क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कहने का मतलब देख रहे थे, देखो बुड्ढा होते भी किस तरह से दहाड़ रहा है, किस तरह से देखो फूंक से पहाड़ को उड़ाने की सोच रहे हैं, और देखो एक किस तरह से मानो अपना कर्तव्य दिखाने की बात कर रहे हैं। तो सुनिए सुनकर मुनियन परशुराम वचन वचन या वाणी लखन लक्ष्मण मुस्कान मुस्कुराए या हंसने लगे, बोले परशुद्रयो मन, और बोलते हैं कि आप तो जो परसे को धारण करते हैं उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो परसा है अर्थात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपको तो परसे धारण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी उग्रता है, इतना आवेश है कि आपको तो परसा धारण करनी, धनुष बाण धारण करने की कोई जरूरत तक नहीं है। ये बात कौन कहते हैं, लक्ष्मण जी, किसको कहते हैं, परशुराम जी को, क्योंकि परशुराम जी के जो वचन हैं वो आपको मैं पहले बता चुका हूं, कह सकते हैं किसके समान, आग के समान, और लक्ष्मण जी के वचन हैं वो घी के समान, जैसे ही आग में घी डाला जाता है तो आग ज्यादा ही प्रज्वलित होती है। कहने का मतलब आग में जब घी की आहुति दी जाती है तो आग ज्यादा प्रज्वलित होकर के मानो बढ़ने शुरू हो जाती है। तो जैसे ही परशुराम जी के आग के समान वचन सुनते हैं लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी कटाक्ष भरी वाणी में उत्तर देते हैं, तो वो मानो घी के समान काम कर रहे हैं।
तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले प्रसूद रही अम्मा, आप तो प्रसाद झूठा ही दान कर रही, आपको तो दान करने की जरूरत नहीं है। फिर और आगे देखो लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कहते हैं, बहु दनई तोरी लड़काई। अरे हमने तो बल्ले काल में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, अर्थात बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कहने का मतलब ये एक ही क्या, ऐसे मैंने बहुत सारे, अर्थात हम दोनों भाइयों ने बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं। तो बहु ये ना बहुत सारे धनुष, ये ना छोटे धनुष। अरे कहने का अर्थ है छोटे धनुष तो बहु धनु ही बहुत सारे छोटे धनुष तोड़िए ना तोड़े हैं लड़का, ये ना बाल्यकाल में बचपन में हमने बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं। कबहू कबू ये ना कभी भी, नहीं नहीं अस्सी ऋष की नी गोसाई। हे गोस्वामी अर्थात हे स्वामी, हे परशुराम जी, हे मुनि, आज तक आपने इतना कभी भी क्रोध प्रकट नहीं किया। कहने का अर्थ हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन आज तक आपने कभी भी ऐसा गुस्सा या क्रोध प्रकट नहीं किया। तो फिर इससे इतनी क्या ममता है, इसमें इतना क्या कह सकते हैं लगाव है, जिसकी वजह से आप इतना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। फिर आगे देखो क्या करें, यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष से आपका इतना क्या लगाव है या इतनी क्या ममता भरी हुई है, जिसकी वजह से आप इतना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, आप अपनी कटु या कड़वी क्रोध भरी हुई बातें कर रहे हैं। कहने का मतलब अब इसमें क्या रखा है, तो यही इश धनु ने धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष में इतनी ममता का कारण क्या है, इतना क्या स्नेह प्रेम है जिनकी वजह से आप इतना गुस्सा या क्रोध प्रकट करें। सुनी ऋषाए कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु भृगुवंश की पताका, भृगुवंश का सर्वश्रेष्ठ पुरुष जिसे कहा जाता है परशुराम, तो ये भृगुवंश के थे। जैसे प्रभु श्री राम के लिए सूर्यवंश आता है सूर्य कुल केतु, इसी तरह से यहां भृगुकुल केतु और यहां परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो परशुराम जी को मानो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे परशुराम जी, इस धनुष में इतने क्या ममता है, इतना क्या लगाव है जिनकी वजह से आप इतना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्रोध भरी हुई वचनों से सुन करके या वचनों को सुन करके प्रभु श्री राम के पास में ही बैठे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, इस धनुष में इतनी क्या ममता है जिनकी वजह से आप इतना क्रोध या गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि यह सब संवाद चल रहा था, ये सीता स्वयंवर की बात है। सीता स्वयंवर में जब शिव धनुष अर्थात पिनाक का भंजन किया गया था, उस समय परशुराम जी अति क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम जी क्रोधित होकर के मानो कहते हैं, फिर आगे देखो क्या कहा है परशुराम जी ने, रे नृप बालक, नृप यन राजा, हे राजपुत्र, क्योंकि परशुराम जी को पता था कि लक्ष्मण और प्रभु श्री राम राजा दशरथ के बेटे हैं, तो यहाँ क्या कहते हैं, रे नृप बालक, हे राजपुत्र या हे राजा के पुत्र, काल बस काल इन मृत्यु भूत यमराज, तू काल के बस में हो चुका है, हे राजपुत्र तुम काल के बस में हो चुके हो। और जब काल के बस में हो जाता है तो व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, उन्हें किसी तरह से कोई ज्ञान नहीं रहता है, सत्य असत्य धर्म अधर्म न्याय अन्याय सदाचार दुराचार इन चीजों का कोई पता रहता नहीं है। तो यहाँ परशुराम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि हे राजपुत्र, तुम मेरे को लगता है कि मौत या मृत्यु या काल के बस में हो गई हो, बोलत तो ही न संभाल, इसलिए तुम अपने आप को संभाल कर नहीं बोल पा रहे हो, आपको पता नहीं है कि सामने मेरे कौन खड़े हैं,
मैं परशुराम हूँ और मैंने इस धरती को कई बार क्षत्रियहीन कर दिए हैं और आपको ये पता नहीं है क्यों? क्योंकि आप मृत्यु मौत या काल के वश में हो चुके हो, आपको इस दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर आगे देखो परशुराम जी क्या कहते हैं, धनु ही समय त्रिपुरारी धनु, ये जो त्रिपुरारी त्रिपुर प्लस अरी, त्रिपुर प्लस अरी, अरी का अर्थ होता है शत्रु, त्रिपुर नाम का जो एक दुष्ट या राक्षस था उसके शत्रु भगवान शिव थे। तो यहां पर परशुराम जी कह रहे हैं कि धनु ये सम त्रिपुरारी धनु, अरे जो आपने छोटे छोटे धनुष तोड़े ना वो भगवान शिव के धनुष के सम्मान नहीं है। कहने का मतलब आपने कह दिया ना कि हमने बहुत सारे तोड़े हैं, ये सामान्य धनुष नहीं है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इस बात को संपूर्ण संसार जानता है कि यह सामान्य धनुष नहीं है, सकल न सारे विदित न ज्ञात, संसार को पता है, ज्ञात है या जानकारी है कि यह सामान्य धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है और भगवान शिव के धनुष के समान कोई छोटे मोटे धनुष होते नहीं है। ये बात लक्ष्मण जी को परशुराम जी कहते हैं, अर्थात परशुराम जी के कटु वाक्यों को सुनकर के लक्ष्मण जी भी कटाक्ष करते हैं और परशुराम जी क्रोधित होकर के और भी उग्रवाणी में अपनी बातें कहते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ ये जो सारे कह सकते हैं ये चौपाइयां हैं, चौपाइयों में आपको मैं बता देता हूं, वैसे चौपाई जो मानो यहां पर 16 मात्राएं, यह वैसे एक मात्रिक छंद है, इसीलिए यहां 16 मात्रा होने के कारण इसमें कह सकते हैं मात्रिक छंद के। तो यहां देखो ये जो कहने का मतलब यहां चौपाइयां हैं, हर चौपाई में मात्राएं गिनी जाती है, वैसे चौपाई एक मात्रिक छंद है, इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं और मात्राएं कहने का मतलब है कि आपको मैं बता देता हूं चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं। अब ध्यान देवें, जैसे ही मानो ये जो आगे हैं ये चौपाई नहीं होकर के यहां पर दोहा छंद का प्रयोग किया गया, कौन से छंद का प्रयोग किया है, दोहा छंद। कहने का मतलब है कि ये दोहा छंद है, तो यहां दोहा छंद में आपको बता देता हूं कि यहां दोहे छंद की पहचान होती है कि ये भी वैसे एक मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद में मात्राएं आपको मैं पहले बता चुका हूं, मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं और मात्रिक छंद में यहां कह सकते हैं दोहा है। देखो यहां इसमें भी मात्राएं गिनी जाती है, ये दो है और इसमें एक जो कह सकते हैं 13-11 पर यति, भाई जैसे यहां पर यति है, यति का अर्थ होता है रुकना, कहने का मतलब छंद शास्त्र के अनुरूप जब किसी एक चरण में या कह सकते हैं सेंटेंस में वाक्य में जब हम बीच में रुकते हैं तो यति कहलाती है। तो यहाँ रे नृप बालक काल बस, यहाँ ये जो है जो अल्प विराम अर्ध विराम पूर्ण विराम है ये जो होता है वैसे इसे हम यति कहते हैं, अर्थात छंद शास्त्र अनुरूप इसको यति कहा जाता है, यति का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, तो यहाँ वैसे रुकना। तो ये 13 है और ये 11 है, कहने का मतलब है कि यहाँ 13-11 पर यति, कहने का मतलब है ये 13-11 ये 13-11 कुल मिलाकर के 24-24 मात्राएं होती हैं इसमें दोहे में, तो ये दोहा। तो यहाँ इससे जो हम पद में कहने का मतलब यहाँ तुलसीदास जी का जो पहला भाग हम जो पढ़ रहे हैं इसमें देखो दोहा और सॉरी चौपाई और दोहे का प्रयोग, कहने का मतलब चौपाई और दोहा, क्योंकि पहले चौपाई आई है फिर दोहा आया है तो चौपाई और दोहे का प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ हम ये भी जाने कि यहाँ जो कह सकते हैं कौन से छंद के अलावा भाषा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ
यहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का। तो आपको मैं बता देता हूँ, प्रस्तुत जो काव्यांश है वो तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें सीता स्वयंवर के अवसर पर परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद है। और यहाँ कह सकते हैं मानो ये तो इसका जो हम व्याख्या करते हैं तो कह सकते हैं प्रसंग है, फिर इसमें व्याख्या में आता है आप जानते हो इसका संपूर्ण सार। और विशेष में जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि आप में विशेष में पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें जैसे छंद कौन सा है, भाषा कौन सी है, इसमें कह सकते हैं शैली कौन सी है, इसमें अलंकार है, गुण है, या कह सकते हैं रीति है, या कह सकते हैं रस है। तो यहाँ रसों में भी आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कह सकते हैं वीर रस। कौन सा रस का प्रयोग किया गया? वीरस। वीरस, रोद्रस, भयानक रस जहां पर प्रयोग किया जाता है आपको मैं बता देता हूं, ओजगुण पाया जाता है। कहने का मतलब यहां ओजगुण है, और जहां ओजगुण होता है वहां पर यानी गोड़ी रीति पाई जाती है। वहां कौन सी रीति पाई जाती है? गोड़ी रीति। तो यहां कह सकते हैं कि इसमें विशेष में वीरस, औजगुण, गौड़ी रीति, और यहाँ कह सकते हैं छंदों में चौपाई और दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। अब देखो अलंकारों में आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे यहाँ कह सकते हैं उपमा, इसी तरह से कह सकते हैं अनुप्रास। तो उपमा है, अनुप्रास है, आदि कह सकते हैं, मानो यहाँ पूरी तरह से इनका भी प्रयोग किया जाए। तो छंदों में चौपाई और दोहे का प्रयोग, अलंकारों में कह सकते हैं उपमा अलंकार, या मानो अन्य जो कह सकते हैं तो मानो, और फिर रसों में वीरस, गुणों में औजगुण, रीति में गोड़ी रीति। और यहाँ परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद का मार्मिक चित्रण है वो किया गया है। तो यहाँ हम बताना मैं पुनः चाहता हूँ कि यहाँ जैसे ही व्याख्या आती है तो पहले प्रसंग लिखें। तो प्रसंग में आपको मैं बता चुका हूँ कि यह है जो उद्धरण है, या जो कह सकते हैं अवतरण है, या काव्यांश है, जिसको हम ये बताना चाहेंगे कि यह तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, फिर उसकी व्याख्या आती है, फिर विशेष आता है। तो इस तरह से कह सकते हैं यह है जो मानो गांव है।